नमो नमः स्वय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव 28 अप्रैल 2024 को अस्त होने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 28 अप्रैल 2024 की सुबह 7 बजे शुक्रदेव मेष राशि में सूर्य के अत्यधिक नजदीक रहने की वजह से अस्त होने वाले हैं और 19 मई 2024 तक शुक्रदेव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शुक्र के इस परिवर्तन से, इस अस्त काल से कुछ राशि वाले जातकों को फायदा भी होने वाला है तथा कुछ राशि वाले जातकों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव और आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो जब ये अस्त होंगे तो आपके जीवन में किन किन मोर्चे पर आपको शुभता देंगे और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो कन्या राशि वाले जातकों, शुक्र को नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह माना गया है। शुक्र को संगीत, व्यापारिक जीवन, काव्य कला, गृहस्थ सुख, रेशमी वस्त्र, वैवाहिक जीवन तथा सभी प्रकार के सजावटी वस्तुओं का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रभाव होता है। यदि जन्म कुंडली पर शुक्रदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में अथाह पैसा देते हैं। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक बनता है। शुक्र अगर बलवान हो तो जीवन साथी यानी पत्नी का सहयोग मिलता है, यानी पुरुषों की कुंडली में शुक्र को पत्नी का कारक माना गया है। तो अगर शुक्र बली होते हैं तो जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें जो आपका जीवन साथी है, जो पत्नी है, उसका सहयोग आसानी से मिलेगा। मानसिक प्रसन्नता रहती है और कमजोर शुक्र के प्रभाव से जीवन में यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पीड़ित शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है, मानसिक समस्याएं होती है, धन से जुड़ी हुई समस्या होने लगती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके लिए ही बनाई गई है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके राशि के लिए आपके भाग्य भाव और आपके धन भाव के स्वामी होकर 28 तारीख को आपके अष्टम भाव पर अस्त होने वाले हैं। कुंडली के अष्टम भाव पर शुक्र को अच्छा रिजल्ट गोचर में देने के लिए जाना जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों, शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके राशि के द्वितीय भाव पर जाने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनने वाला है। पिछले समय से यदि आप अपने परिवार में लगातार कलह का सामना कर रहे हैं, परिवार में आप तालमेल बैठाना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं रहा है, तो इस समयावधि में सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ने वाला है और पारिवारिक मान सम्मान में बढ़ोतरी भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में कन्या राशि वाले जातक अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं और आपको जीवन में काम की सराहना भी आपको होने वाली है, यानी आपके कार्य काफी ज्यादा सराहे जाएंगे। और कन्या राशि के जातक वर्तमान में ऐसे जातक जो पिछले समय से ससुराल पक्ष से अपने संबंध को काफी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, एक बार पुनः ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध भी सुधरने वाला है। इन 21 दिनों की समयावधि में आपके वैवाहिक साथी का भी आपको सहयोग काफी ज्यादा मिलने वाला है और इस समयावधि में जीवन साथी के प्रति आपका मनोबल काफी बढ़ा रहेगा,
जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपके मन में प्रसन्नता भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 1 मई को गुरु भी अपना परिवर्तन कर लेंगे। तो गुरु आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो गुरु के इस परिवर्तन से कन्या राशि के जीवन में और भी शुभता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इस समयावधि में कन्या राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से किसी प्रकार के धन से जुड़ी हुई समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, आर्थिक मामलों के लिए भी समय शुभ रहने वाला है और धन का विकास भी आपके जीवन में होने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों, वर्तमान में आपके अष्टम भाव पर सूर्य देव अपनी उच्च राशि में 14 मई तक मौजूद हैं, तो सेहत के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना चाहिए। शुक्र आपके अष्टम भाव पर अस्त रहेंगे और आपके सप्तम भाव पर शनि और मंगल के द्वारा दुर्योग बनने वाला है। तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को कई ग्रह स्थितियाँ यह इशारा कर रही है कि आप अपने जीवन में खान पान को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहें, पर्याप्त मात्रा में मिनरल वाले भोज पदार्थों का सेवन करें, दिनचर्या अपनी व्यवस्थित बनाकर चलें तथा कन्या राशि वाले जातकों को अपने मन से किसी प्रकार की छोटी मोटी बातों को लेकर अपने ऊपर किसी प्रकार का तनाव हावी नहीं करना चाहिए, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों, शुक्र जनित दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए सफेद चीजों का दान आपको जरूर करना चाहिए, जिसमें आप शक्कर, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।